धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र में पुलिस ने बीते दिन हुई चोरी की खुलासा कर लिया है। बता दें कि करेली बड़ी चौकी अंतर्गत आइसक्रीम फैक्ट्री में बीते दिनों चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें आइसक्रीम फैक्ट्री से करीब 45,000 के कॉपर पाइप पर चोरों ने हाथ साफ किया था। वहीं प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई थी। इसी दौरान मुखबिर के सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निकी देवार, गौतम देवार और राम देवार को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिस पर आरोपियों ने आइसक्रीम फैक्ट्री में चोरी करना स्वीकार किया। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से 99 कॉपर पाइप के टुकड़े सहित 29 नग कॉपर पाइप समेत मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 60,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं स्टोरी की वारदात में शामिल लखन देवार फरार है, जिसकी पता तलाश की जा रही है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। हाँ, दिनांक 28 सितंबर 2024 को हमें सूचना प्राप्त हुई कि 23-24 सितंबर की दरमियानी रात को करेली बड़ी चौकी क्षेत्र के ग्राम नवा गांव में एक आइसक्रीम फैक्ट्री में चोरी हो गई है। वहां पर एक कुल कॉपर कॉइल जिसकी कीमत 45,000 थी, उसकी चोरी की सूचना हमें प्राप्त हुई। चोरी की सूचना प्राप्त होने पर हमने बीएनएस की धारा 331(2), 305 और 305 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे अपनी विवेचना में लिया। चोरों की पतासाजी की गई, लगातार मुखबिर से जानकारी प्राप्त की गई, उसके आधार पर संदेहियों से कड़ी पूछताछ कर हमने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुल 3 आरोपियों की हमने गिरफ्तारी की है, जिसमें निक्की देवार, राम देवार, गौतम देवार, जो कि अभनपुर, मुजगहन रायपुर और गोबरा रवापारा के रहने वाले हैं। एक अन्य आरोपी है लखन देवार, जो कि फरार बताया जा रहा है, उसकी भी लगातार पतासाजी की जा रही है। हाँ, इन लोगों के द्वारा अन्य जिलों में भी चोरी की सूचना प्राप्त हुई, अन्य जिलों में इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। आरोपियों के पास से हमें कॉपर पाइप के 99 नग टुकड़े जो है कॉपर पाइप के वो, और 29 नग कॉपर के पाइप हमने जब्त किए हैं। साथ ही चोरी में जो प्रयुक्त किया गया है टीवीएस एक्सल की गाड़ी, जिसकी कीमत 20,000 बताई जा रही है। तो टोटल जुमला 60,000 की हमने जब्ती की है और रिमांड पर इन्हें जेल भेजा।